का टेम्परेचर अगर हम जाने तो यहाँ पे जंगल भी है तो दोस्तों यहाँ पे है ना सावर भी लगा रखा है देखो वो तेरी की ओ माय गॉड सुबह के टाइम है ना अगर आप आना चाहते हो तो एक्सरसाइज भी हो सकती है ठीक है। सेकंड आप यहाँ पे पानी का फुहारा भी देख सकते हो और भाई यहाँ पे है ना काफी सारी जगह है छुप के बैठने की ठीक है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तरी की कीड़ा घुस गया इसने तो अपना सूट पूरा गिल्ला कर लिया और भीग गई है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे और कितनी सारी जगह। ये होगा हमारा थर्ड जगह ठीक है तो बने रहो वीडियो के। तो दोस्तों अब है यहाँ पे अगर कपल्स नहीं है फैमिली आई है फैमिली भी यहाँ पे पार्क में आके बैठ सकती है। ये है जैसे शेडो बने हुए ठीक है आप यहाँ पे आके पूरा बैठ सकते हैं और यहाँ पे आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कपल्स ही आना है ठीक है आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और यहाँ पे ये शेडो के अंदर बैठ सकते हैं। ये बैठने वाली प्लेस है ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है देखने में। आप देख सकते हैं अब आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ आगे कि किसी हम पार्क में नहीं आए हैं किसी पहाड़ी इलाके में आए हुए हैं ठीक है। यहाँ पे जंगल भी है जंगल मतलब झाड़ी पेड़ ये सब है ना तो यहाँ पे फोटो शूट हो सकता है बहुत अच्छा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पत्थर है यहाँ पे। इतनी गर्मी में यानी इतना हाई यानी 45 से 50 टेम्परेचर पहुंच रहा है और यहाँ का टेम्परेचर अगर हम जाने तो पता ही नहीं लग रहा है कि गर्मी का मौसम भी है ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आके जो भी कपल्स हैं यहाँ पे आके बैठ सकते हैं ये सारी जगह है बहुत अच्छी वाली यहाँ पे बैठ सकते हैं और इस ठंडा मौसम का आनंद उठा सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है ये वाली जगह यहाँ पे क्या होता है जब ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे पूरा पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद यहाँ पे फुहारा चलता है ठीक है। तो इसमें मतलब ये एक पार्क की सुंदरता बनाने के लिए ये सब किया गया है यहाँ पे पानी रहता है पूरा भरा हुआ लेकिन अभी पानी नहीं है लोग यहाँ पे फोटो शूट भी करते हैं फोटो शूट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट है सामने ही आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं और जो भी आपकी दोस्त फ्रेंड किसी को भी कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं कपड़े यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं ठीक है। किसी दिन विशाल मेगा मार्ट के अंदर जाके हम वीडियो बनाएंगे बट अभी हम इस वीडियो में सिर्फ यही बता रहे हैं कि विशाल मेगा मार्ट है सामने यहाँ पे आके आप शॉपिंग भी करवा सकते हैं शॉपिंग के बहाने आएंगे और यहाँ पे इतना कुछ देखने को मिल सकता है आपको दोस्तों। सो गाइस अब हम जा रहे हैं हमने काफी सारी जगह यहाँ पे कवर करे हैं बट हम आप कवर करने वाले हैं। देखो यार घूमने के बाद है ना सबसे बड़ी बात भूख तो लगती है और भूख लगने के बाद हर जगह आपको कैंटीन मिल जाए वो तो पॉसिबल नहीं है ठीक है। तो इस पार्क में आपको कैंटीन भी मिल सकता है ठीक है और वो हम आपको जा रहे हैं दिखाने के लिए। और कैंटीन इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि कैंटीन है और आर पार सब कुछ दिखाई देगा बाहर से तो इतना अच्छा लग रहा है ठीक है। और भाई मैं सेकेंड इसमें सबसे बड़ा पॉइंट बताऊँ आपको कि सामने ही विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग है सामने ही पंचकूला है बीच में ये है तो आप घूमने के लिए जब भी आओगे ना तो भाई डबल फायदा होगा। और भाई दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड को जिसको भी लेके आना है ना बेस्ट फ्रेंड को तो ऐसी जगह बहुत ज़्यादा उनको पसंद होती है तो ऐसी जगह लाके घुमाया करो ठीक है। हम तो आया देखो हम तो कर रहे हैं एंजॉय आप भी करो इस पार्क में आके एंजॉय ठीक है। गर्मी का टाइम है भाई गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए आपको। ये कैंटीन में आपको अंदर से सारा कुछ दिखेगा पर बाहर से आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि बाहर से आपको शीशा ही दिखेगा और अंदर से आपको सारा कुछ। तो अगर अंदर हमको जाने के लिए दिया तो हम अंदर भी जाएंगे अदरवाइज हमने आपको बाहर से दिखा दिया ठीक है। तो ये देखो बाहर से कैसा है और ये है ना टोटली शीशे का है इसकी दीवारें नहीं है आप ये देख सकते हो कि मतलब इसमें कोई देख बोल ही नहीं सकता कि पार्क के बीच में कोई कैंटीन है मुझे खुद ही नहीं दिखा था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे खाने के लिए पता है आपको सब कुछ मिलेगा सारे स्नैक्स अवेलेबल हैं आपका जो मन करे आप यहाँ पे आओ और खाओ। और सबसे अच्छी बात है अगर आपको वॉशरूम भी लगता है तो इस कैंटीन के अंदर यहाँ पे वॉशरूम भी है आप यहाँ पे खा सकते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैंटीन है। तो इसके अंदर का खाना कितना अच्छा होगा बहुत ही मजे वाला सैंडविच यहाँ के बहुत टेस्टी होती है काफी अच्छा है दोस्तों आप आइएगा जरूर और खाइएगा। वाओ ट्री ट्री की डेकोरेशन देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग की हुई है ये देखो दोस्तों ये किस तरह की ट्री है जो कि डेकोरेशन यानी चार चार चांद लगा दिए हैं कैंटीन के